गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम BSc की फर्स्ट ईयर विषय पर्यावरण दिन यूनिट फर्स्ट पर्यावरण दिन प्रकृति का गठन। आज हम कक्षा 3, 4 व 5 में पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हम कक्षा 1 व 2 में पर्यावरण पाठ्यक्रम पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में चर्चा की, जिसके अंतर्गत हमने आज निम्न बिंदुओं के बारे में चर्चा की, जिसके अंतर्गत हमारा परिवार, हमारा घर, हमारा विद्यालय, रोचक कहानियाँ, हमारा पास पड़ोस, पृथ्वी व आकाश, वायुमय मौसम, इतिहास एवं विज्ञान पर आधारित कहानियाँ, हमारे शरीर एवं तेल, पानी और उसके स्रोत, इन 10 बिंदुओं के बारे में आपसे हम कल चर्चा की थी। आज हम कक्षा 3, 4 व 5 में पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा कर से अपने दिन की शुरुआत करते हैं। पाठ्यक्रम की कक्षा 3 स्तर पर 4 इकाइयां निम्नलिखित है, जिसके अंतर्गत हमारा पास पड़ोस, नंबर 2 हमारी पृथ्वी व आकाश, नंबर 3 पृथ्वी पर मानव के जन्म और विकास की कहानियाँ, एवं नंबर 4 हमारी महान विभूतियाँ। पाठ्यक्रम की कक्षा 3 के स्तर पर उसको 4 इकाई में विभक्त किया गया है, जिसके अंतर्गत नंबर 1 हमारा पास पड़ोस, नंबर 2 हमारी पृथ्वी व आकाश, नंबर 3 पृथ्वी पर मानव के जन्म और विकास की कहानियाँ, नंबर 4 महान विभूतियाँ। इन इकाइयों को पाठ्यक्रम के आधार पर 27 पाठों में विभक्त किया गया है, जिसके अंतर्गत नंबर 1 धरती व आकाश, नंबर 2 पृथ्वी आकार और गतियाँ, नंबर 3 हमारा धरातल, नंबर 4 महाद्वीप महासागर, 5वां हमारा जिला, नंबर 6 हमारा राजस्थान, 7वां है राजस्थान जलवायु वर्षा, 8वां कृषि और सिंचाई के साधन, 9वां हमारे व्यवसाय और उद्योग धंधे, 10वां यातायात के संचार के साधन, 11वां हमारा जनजीवन, 12वां हमारा पर्व त्यौहार, 13वां राजस्थानी कला कौशल, 14वां पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप, 15वां दुर्गादास पन्नाधाय, 16वां सवाई जय सिंह, 17वां मीराबाई, 18वां सूर्यमल मिश्रण और महाराजा चतुर सिंह, 19वां राजस्थान के दर्शनीय स्थल, 21वां रेगिस्तानी प्रदेश का जल जीवन, 21वां स्वायत्तशासी एवं समाज सेवी संस्थाएं, 22वां बैंक एवं सहकारिता, 23वां शिक्षा एवं स्वास्थ्य, 24वां मानव के विकास की कहानी, 25वां मानव के आविष्कार, 26वां हमारी स्वतंत्रता की कहानी एवं 27वां विश्व बंदूक। ये 27 पाठ कक्षा 3 की 4 इकाइयों के अंतर्गत डिवाइड किए गए हैं। अब कक्षा 4 स्तर पर पाठ्यक्रम की 10 इकाइयाँ निम्नलिखित है, जिसके अंतर्गत पहला हमारा राजस्थान, दूसरा हमारे प्रमुख पर्व एवं त्यौहार, तीसरा राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहरें एवं कला कौशल, चौथा सामाजिक कुरीतियाँ, 5वां हमारी सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकताएं, नंबर 6 हमारे स्थान हमारे प्रशासनिक इकाइयाँ एवं राजस्थान का प्रशासन, नंबर 7वां भारत के महान सम्राट और वीर वीरांगनाएं, नंबर 8वां हमारे देश के महान संत एवं साहित्यकार, 9वां मनुष्य जीवन एवं 10वां विश्व की महान विभूतियाँ। इन इकाइयों को पाठ्यक्रम के आधार पर निम्नलिखित पाठों में विभक्त किया गया है, जिसके अंतर्गत भारत और उसके प्राकृतिक क्षेत्र, उत्तरीय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान, थार का मरुस्थल, दक्षिण का पठार, समुद्र तटीय मैदान, द्वीप समूह, मिट्टी व
वन संपदा, पशु संपदा, जल संपदा, सिंचाई के साधन एवं नदी का की परियोजनाएं, कृषि, खनिज संपदा, मानवीय संपदा, पर्यावरण एवं संचार के साधन, हम और हमारे लोग प्रथम, हम और हमारे लोग द्वितीय, हम और हमारे लोग तृतीय, हमारे सांस्कृतिक धरोहर, हमारा संविधान, नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य, सामाजिक जीवन के प्रति हमारे कर्तव्य, संघीय सरकार, राज्य सरकार, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक एवं स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान की भूमिका, ये 10 इकाइयों के अंतर्गत निम्न पाठ है जिनका कक्षा 4 में अध्ययन करना होता है। वहीं कक्षा 5 स्तर पर पाठ्यक्रम की इकाइयाँ निम्न है जिसके अंतर्गत हमारा देश, हमारी सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था, भारत का प्रशासनिक अध्ययन एवं भारतीय महापुरुषों की कहानियाँ, ये 4 इकाइयों में कक्षा 5 का पाठ्यक्रम डिवाइड है। इन इकाइयों को पाठ्यक्रम के आधार पर निम्न पाठों में विभक्त किया गया, 28 पाठों, इन 4 इकाइयों को 28 भागों में, 28 पाठों में विभक्त किया, जिसके अंतर्गत मानचित्र पठन, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, पृथ्वी की गतियां, महाद्वीप एवं महासागर, भारत की स्थिति एवं पड़ोसी देश, जनजीवन के विभिन्न रूपियों, वर्ग के गर्व वाला प्रदेश टुंड्रा प्रदेश, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश, भूमध्य रेखीय वन प्रदेश, उष्ण प्रदेशीय घास के मैदान, भूमध्य सागरीय प्रदेश, सिकुड़ता संसार, स्थल परिवहन, जल परिवहन एवं वायु परिवहन, संचार सुविधाएं, भाप की शक्ति का यातायात पर प्रभाव, बदलता विश्व, भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की, सशस्त्र क्रांति, राष्ट्रीय जागृति एवं कांग्रेस की स्थापना, राज्य और राज्य स्वराज्य की ओर, 1905 से 1920 आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी का महत्वपूर्ण योगदान, स्वतंत्रता की ओर बढ़ते कदम, देशी रियासतों में जनजीवन, द्वितीय विश्व युद्ध एवं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र संघ एवं मानव अधिकार तथा संयुक्त राष्ट्र संघ और भारत, आज हमने कक्षा 3, 4 व 5 में पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के बारे में अध्ययन किया, जिसके अंदर कक्षा 3 में 3 को 4 इकाइयों में विभक्त किया तथा 27 पाठ दिए गए। वही कक्षा 4 की 10 इकाइयाँ हैं और उसको 26 पाठों में विभक्त किया गया तथा कक्षा 5 को 4 इकाइयों में डिवाइड किया तथा 28 पाठों में उन इकाई को बांटा गया है। आज इतना ही, कल हम पाठ्य पुस्तकों में अपने नई सोच से अपने दिन की शुरुआत करेंगे। आप घर पर रहें, सेफ रहें, नमस्ते।